आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाले नागरिकों को मतदान के लिए प्रेरित करते हुए चेंबर ऑफ कॉमर्स और जिला प्रशासन दुर्ग निगम की पहल से वोट देने वाले नागरिकों को इंदिरा मार्केट में खरीदारी करने पर 15 से 20% छूट दी जाएगी। दुर्ग लोकसभा चुनाव को लेकर आगामी 7 मई 2024 को दुर्ग शहर जिले में मतदान होना है। लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान करना प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य बताया गया है। साथ ही मतदाता जागरूकता अभियान के तहत लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक और प्रोत्साहित करना भी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसी कड़ी में अधिक से अधिक लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने प्रोत्साहित करने एक छोटी सी पहल की जा रही है। लोकसभा चुनाव दुर्ग जिले में 7 मई 2024 को होना है। मतदान 100% बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन, निगम प्रशासन और चेंबर ऑफ कॉमर्स ने अनूठी पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत 7 मई 2024 को वोट डालने के बाद उंगली पर अमिट स्याही का निशान दिखाकर इंदिरा मार्केट के दुकानों पर डिस्काउंट मिलेगी। इसके लिए मतदाताओं की मतदान करने के बाद उंगली पर लगी अमिट स्याही दिखाने पर 15% से 20% तक डिस्काउंट मिलेगा और सराफा व्यापारी संघ द्वारा मेकिंग चार्ज में 50% की छूट। साथ ही मतदान के बाद मतदाता वोट डालने के बाद शहर के इंदिरा मार्केट द्वारा विशेष छूट दी जाएगी। इसके लिए दुर्ग जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के आदेशानुसार व आयुक्त लोकेश चंद्राकर के मार्गदर्शन में नगर निगम के डाटा सेंटर में इंदिरा मार्केट दुर्ग व्यापारिक संगठनों के साथ SDM मुकेश रावटे व उपायुक्त मोहेंद्र साहू ने बैठक ली। अभी क्योंकि लोकसभा निर्वाचन है जिसपे व्यापारिक संगठनों की एक बैठक ली गई, उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि हम चुनाव में जो भी मतदान करके आएंगे और अपने उंगली पर इंक का निशान दिखाएंगे उन्हें हम छूट देंगे। ये व्यापारियों की एक अच्छी पहल है कि मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए कि अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें और उनको प्रोत्साहन स्वरूप उनके द्वारा छूट का घोषणा की गई है। जैसे कि सराफा व्यापारियों ने मेकिंग चार्ज में 50% की छूट की है, उसी प्रकार रेडीमेड कपड़ा व्यापारियों ने 20% की छूट की है। लोहा जो सरिया व्यापारी है उन्होंने प्रति क्विंटल 50 रुपये की छूट प्रदान की है। इस प्रकार से अनेक बहुत सारे व्यापारी संगठनों ने अपना अपना छूट की घोषणा की है और एक अच्छी पहल है जिससे कि मतदाताओं को भी एक अच्छा चीज़ रहेगा कि खासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो डालने के बाद उनको किसी प्रकार यदि कहीं जाते हैं खाने पीने के लिए और उनको कम पड़ता है रेट, चाहे 5% 10% पड़ेगा, तो उनको एक अलग खुशी जाहिर होगी और एक अच्छा पहल है जो व्यापारिक संगठनों के द्वारा आया है जिसकी जिले प्रशासन के द्वारा उनकी प्रशंसा की गई। ACN न्यूज़ के दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।